एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद चुबी सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन हम दिवाली में जितने काम करें उतने हमारे लिए कम होते हैं। हमें लगता है कि हर एक काम दिवाली में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारा घर बहुत ही सुंदर लगना चाहिए और इसी कोशिश में हम लगे रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जैसे समय पर हमें वो मतलब कभी परेशानी करती है, कभी लगता है कि इन्हें करें या ना करें, किस तरीके से करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी में से एक चीज़ है रंगोली, जिसके बिना हम दिवाली का त्यौहार नहीं मना सकते हैं। दिवाली के दिन हमें रंगोली निकालनी ही निकालनी है। अगर यही रंगोली हमें रेडीमेड मिल जाए तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। फ़िलहाल मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड रंगोली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उनका प्राइस भी कम होता है और एक ही डिज़ाइन हम अगर खरीदते हैं तो एक ही डिज़ाइन खरीदेंगे और उसे बार बार लगाएंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं, और फिर भी वो अच्छा नहीं दिखेगा कि हम हमेशा एक ही डिज़ाइन यूज़ करें। तो क्यों ना हम खुद अपने हाथ से बचे हुए चीज़ों से, अपने घर में जो चीज़ें रहती है उनका यूज़ करके बनाते हैं न रंगोली के डिज़ाइंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रंगोली बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कार्डबोर्ड, लेकिन ये बहुत ही पतला है, मैंने ये ख़रीदा नहीं है। जो हमारे घर में वेडिंग कार्ड्स आते हैं तो मैंने उसी को यहाँ पे यूज़ किया है। एक वाइट कलर का वेडिंग कार्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया और जो डिज़ाइन मुझे चाहिए था वैसा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके उसे मैंने काट लिया है। तो बीच में मैंने इस तरीके का हेक्सागोनल टाइप और साइड में मतलब दिए के तरह ऐसे शेप में मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब करूँगी मैं उसे पेंटिंग। तो बीच में मैंने यूज़ किया है पिंक कलर और साइड में मैं यूज़ करूँगी ग्रीन कलर, दोनों का कॉम्बिनेशन करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास एक्रिलिक का यही कलर बचा हुआ है तो मैं मोस्टली यही कलर यूज़ कर रही हूँ और दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी गोल्ड, तो गोल्ड कलर भी एक्रिलिक का ही है तो इन कलर का कॉम्बिनेशन करके मैं इसे पहले पेंटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा रहा सेंटर का पीस, जिसे मैंने पिंक कलर से कलर कर लिया है। अब मैंने जो साइड के लिप्स बनाए थे उसे करूँगी मैं ग्रीन कलर। बीच में मैंने थोड़ा सा जो हल्का अलग सा ग्रीन रहता है वो ट्राई किया था, लेकिन वो कुछ मुझे सूट नहीं हुआ, क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से उसके ऊपर ग्रीन का ही कोड लगा दिया है। अब करेंगे हम इसे डेकोर। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अपना जैसा डिज़ाइन चाहिए आप उसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए और फिर अपने हिसाब से जो अपने पास मटेरियल है उसका यूज़ करके उसे डेकोर कीजिए। हम चाहे तो कितने भी डिज़ाइन बना कर रख सकते हैं और जब चाहे तब हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले डेकोर करेंगे इनके साइड के लिप्स को। तो इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं मिरर्स। मिरर्स बहुत छोटे नहीं है, थोड़ा मीडियम साइज़ है और उसके बाजू में मैंने लगाई है स्टोन की लेस। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन ये सब मेरे पास था तो मैंने इन्हीं का यहाँ पे यूज़ किया है और मैं इसे स्टिक कर रही हूँ फेविक्रिल का ग्लू से, उसी की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर रही हूँ। चाहे तो आप फेविकॉल से भी आप इसे स्टिक कर सकते हो, अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज़ करके यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। बाद में मैंने जो बॉर्डर था उसके ऊपर पर्ल अटैच किए, क्योंकि मेरे पास पर्ल्स भी थे और पर्ल का लेयर अच्छा लगता है। आप चाहे तो लेस का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर स्टोन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसे
डेकोर कर सकते हो। तो ये यहाँ पे रेडी हो गई मेरी लेयर, बॉर्डर यहाँ पर रेडी हो गई है। और उसके बाद हम करेंगे अब अंदर का पोर्शन। तो अंदर मैंने थोड़ा सा हटके यहाँ पे करना चाहता कि जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाला है ग्लिटर। अगर आपके पास ग्लिटर नहीं है, वैसे तो ग्लिटर बहुत आसानी से मिल जाता है, हम रंगोली के ऊपर भी उसे यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपके पास ग्लिटर नहीं है तो आप यहाँ पे फोम शीट का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल सा यहाँ पे गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिटर का यूज़ किया है। ग्लिटर मुझे अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा शिमरिंग शाइनिंग आएंगी और थोड़ा सा अलग लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्लिटर का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप किसी भी चीज़ से, लेस से हो या फिर पर्ल से ही आप इसे डिज़ाइन डेकोर कर सकते हो, या फिर आप इसे मिरर से भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप चाहे जो भी आपके पास हो उसका यूज़ करके आप इसे डेकोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से मैंने स्टोन का लेस यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ताकि ये बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो स्टोन का लेस लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अटैच करूँगी पर्ल और एक मिरर, और ऐसे तरीके से मैं अपने साइड वाले जो लिप्स है वो पूरे तरीके से यहाँ पे डेकोर कर लूँगी। जिंदगी गाई खुशियां ही आई, होगा ये नया आसमान ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी ये पूरा वर्क जो है वो मैंने एक वेडिंग कार्डबोर्ड के ऊपर किया था। तो वेडिंग कार्डबोर्ड उतना भी थिक नहीं होता है, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब इसका थिकनेस कम हो जाएगा, तो इसे बेस में सपोर्ट करने के लिए मैंने एक जो अपना जनरल कार्डबोर्ड होता है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, तो उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। एक्चुअली मेरे पास ये रेडीमेड था जिसके ऊपर फोम भी लगा हुआ था, तो उसी कार्डबोर्ड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप यहाँ पे फोम शीट नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। मेरे कार्डबोर्ड को ऑलरेडी लगा हुआ था तो मैंने उसी को यहाँ पे कट करके यूज़ कर लिया और इसे एक बेस दे दिया ताकि इसका थिकनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा हेवी हो गया है। तो बेस मतलब पक्का करने के लिए मैंने इसका यहाँ पे यूज़ किया है। अब थोड़ा सा नीचे भी डेकोर करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का पोर्शन अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो मैंने वहाँ पे यूज़ की है जूट, जो मतलब हमारे पास होती है इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, तो वही जूट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे लेस का भी यूज़ कर सकते हो या फिर पर्ल की एक और एक लेयर देके आप इसे कंप्लीट कवर अप कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा हटके दिखने के लिए येलो कलर का मेरे पास थ्रेड था तो मैंने उसी का यहाँ पे यूज़ किया, तो उसका लुक कुछ और ही लगने लगा और बहुत ही सुंदर सा रिज़ल्ट निकल के आया है। अगर हम कोई भी चीज़ मन से करते हैं और मतलब अपने एंजॉय के लिए करते हैं और बहुत ही मन लगा के करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटपुट होता है
है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो ये रेडी हो गए मेरे साइड के पीसेज जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अब करूँगी मैं सेंटर पीस को डेकोर। तो सेंटर पीस के लिए फिर से मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मिरर साइड अप स्टोनलेस पर्ल्स और इसकी हेल्प से मैं इसे कर लूँगी डेकोर और रेडी हो जाएगी मेरी एक बहुत ही सुंदर सी रेडीमेड ऐसी रंगोली जिसे मैं कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। और मुझे चाहे तो मैं इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि हम सेंटर में कुछ और डिज़ाइन ड्रॉ करके रख देंगे या फिर साइड के पीसेस को हम थोड़ा सा और अलग डिज़ाइन में बना लेंगे। इस तरीके से हम अपने घर में अगर हो तो अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं और नई नई चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को अपने हाथों से हम सजा सकते हैं और अपने हाथों से डेकोर करने का घर को सजाने का मज़ा कुछ और ही होता है। खुशियाँ छाएगी बाहर में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी तरीके से मेरा यहाँ पे जो हैंडमेड रंगोली है वो पूरे तरीके से रेडी हो जाती है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसके मैं और दो चार पीसेस बनाने का सोच रही हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। देविता छाई, रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियां हैं।